नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टिकटॉक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन का EMI पेमेंट ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। दोस्तों मान लीजिए आपके भी अकाउंट से आपका जो टू व्हीलर लोन का EMI है वो नहीं कटता है या किसी कारणवश नहीं कटा, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था या आपके बैंक का सर्वर डाउन था, तो आप चाहे तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो आप अपने टू व्हीलर लोन का EMI। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपना जो टू व्हीलर लोन का EMI है वो ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपने L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन का EMI पेमेंट करना चाहते हो तो आपको गूगल पे ऐप में आ जाना है, जैसे जी पे, और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पर देखिए मोबाइल रिचार्ज, DTH, केबल टीवी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग रिचार्ज है, इस पर सी ऑल पे नीचे है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है व्यू ऑल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पर दिखेगा लोन EMI, आप यहां पर देख सकते हो लोन EMI लिखा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है L&T फाइनेंस, इसमें आपको सर्च करना है, जैसे L और उसके बाद एंड ऐसा लिखना है आपको, और T L&T फाइनेंस। तो आप देख सकते हैं यहां पर आ गया L&T फाइनेंस, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आएगा लिंक अकाउंट का ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए लोन अकाउंट नंबर मांग रहा है। लोन अकाउंट नंबर आप L&T फाइनेंस के प्लानेट ऐप में भी जाकर अपने टू व्हीलर लोन का लोन अकाउंट नंबर पता कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप अपने टू व्हीलर लोन का लोन अकाउंट नंबर पता कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर लोन अकाउंट नंबर मैं डाल लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया था तो पेस्ट कर देता हूँ। और आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद आपका जो भी लोन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है, और आ जाएगा तो और अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पर निक नेम पूछ रहा है तो ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको लिंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका नाम भी आ जाएगा, अकाउंट होल्डर नेम हरि किशोर, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोन अकाउंट नंबर है और यहाँ पर है मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको लिंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो ये अकाउंट लिंक हो चुका है। ये अकाउंट इसलिए लिंक होता है कि आगे से अगर हम आएंगे तो अगर फिर से हमें मान लीजिए गूगल पे से पे करना है तो हमें बाद में सारा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही बार डालना पड़ता है। तो देख सकते हैं मेरा 3034 रुपया ड्यू बता रहा है, तो 3034 रुपया ड्यू बता रहा है। तो आपको यहाँ पर पे बिल दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आप जो भी बैंक आपके गूगल पे से लिंक होगा वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो पे क्लिक करके। उसके बाद आप UPI पिन डाल देंगे तो आपका जो पेमेंट है हो जाएगा। तो मेरा जो बैंक से EMI कट चुका है, एक बार नहीं कटा था तो मैंने पेमेंट किया था, और जो पेमेंट आप करोगे वो आपके जो ऐप में है वो 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा और आपका EMI है वो पे हो जाएगा। वो आप जा करके L&T फाइनेंस का प्लानेट ऐप है उसमें भी चेक कर पाओगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन का EMI है वो गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।